वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है एक तो सूर्य नमस्कार। ये पूरे ऊर्जा के साथ में लगे हुए यहाँ पर हजार दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, पूरे 1000 एपिसोड्स। ये अपने खेत में 2000 मछलियाँ पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1000 हजार बार आपके साथ हर दिन योगिक सेशन। जी हाँ, बिना रुके बिना थके कोरोना से जंग, तमाम बीमारियों पर प्रहार, वो भी विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। और वो भी तब जब कोरोना के जानलेवा हमले से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तब इंडिया टीवी ने रोगों के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की और इसका फायदा करोड़ों लोगों को मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इन 1000 दिन में इंडिया टीवी ने स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर देश की सुरक्षा में जुटे जवानों, उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े हुए बुजुर्गों से लेकर हर किसी की परेशानी का समाधान किया। और देखिए, ये मुहिम इंडिया टीवी का यौगिक अभियान विश्व गुरु स्वामी रामदेव के साथ यूं ही जारी रहा और जारी रहेगा। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। स्वामी जी, 1000 एपिसोड का ये एक लंबा सफर हमने तय किया है और आज तो आपका ये जो आगमन है ये भी बड़ा शानदार तरीके से हो रहा है, घुड़सवारी करते हुए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अरे ढोल लगा रहे हैं। क्या बात है, जश्न जश्न का मौका है, हमारा घोड़ा भी खरीदता है और आज जश्न तो बनता भी है। जिस तरह से घोड़ा दौड़ रहा है, हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है आगे ले। और अब इसकी आदत नहीं है उधर जाने की, कोई बात नहीं, क्योंकि ये घोड़ा वैसे हमारा शरीफ है और जो है हमने पूरी दौड़ लगा करके कभी ये इसने सोचा ये मुझे घर में घुसाएंगे इसलिए इधर आया ही नहीं है। इधर हमारे पूरे योगी हैं तो इन सारे योगियों के साथ और काफी रोगी भी हैं जो निरोगी हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरा इंडिया टीवी का। और ये सब पगड़ी तगड़ी बहने पतली पतली हो गई है, किसी ने अपनी टेढ़े बेढ़ी रीढ़ की हड्डी, किसी ने घुटने, किसी ने कमर, किसी ने PCOD ठीक कर ली है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंडिया टीवी के लिए। इसकी खड़ी हो वृंदा, इसकी तो रीढ़ की हड्डी पूरी ऐसे कर्व हो गई थी और वो रीढ़ की हड्डी अब क्या हाल है तुम्हारा? अब तो बहुत ठीक है, पोस्टर सीधा है ऑलमोस्ट। पोस्टर सीधा हो गया, खड़ी हो ना। तुम्हारा क्या नाम बेटा? हकेश्री राठी। ये क्या पकड़ रखा है? मुझे कौन से ये नीचे रीढ़ की हड्डी में इतना भयंकर दर्द था इसको कि टेलबोन में पेन था। वो डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगाया था। कितने साल से दुख रहा था? लगभग 2 साल से लगातार दर्द था। योग किया, एक श्रृंगे लगाई, अब ये भी घोड़े की तरह दौड़ रही है इधर भी ये तो अप्रतिम है। चलो सब ताड़ासन करो, फिर बैठ के प्राणायाम करेंगे। सभी खड़े हो जाओ। स्वामी जी देखिए, दर्द दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, ये नीचे भी, लेकिन आज आपने जो शुरुआत की है वो बड़ी शानदार रही। आज मौका जश्न का भी है, साल खत्म हो रहा है तो हमने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। योग करते करते 1000 दिन मुकम्मल हुए हैं। कोरोना के खिलाफ यौगिक जंग शुरू हुई थी, आपने हमेशा कहा 40 मिनट रोजाना अगर योग किया जाए तो कोरोना तो क्या है, हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं फटकेगी।
100 साल तक निरोग रहने के लिए 5 आसन जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उसी से आज शुरुआत कीजिए। तो एक तो ताड़ासन करो करो। ताड़ासन तो ऐसा है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाता है। और आप ये मेरे इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हो श्वेता को, क्या क्या हो जाओ भी? श्वेता ने तो अपनी पीसीओडी ठीक कर ली, और ये तो कनाडा से आई हुई है, ज्यादा हिंदी अच्छी नहीं जानती है क्योंकि कनाडा में पैदा हुई थी प्रथमा, और इसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। ऑटोइम्यून डिजीज को 100% ठीक कर लिया कनाडा से आकर के प्रथम ने, इसके लिए जोरदार तालियां बजाई, बहुत बड़ा काम किया। ये भाई प्रथमा जिस गुड़िया को देख रहे हो, बहुत बड़ा काम किया इसने तो। रोज सुबह उठ करके पूरा इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, तो यहाँ से तो शुरुआत करें। और फिर बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए सब कम से कम वृक्षासन, इससे बॉडी का माइंड का अच्छा बैलेंस बन जाता है। हाँ करो बेटा प्रथम, क्या बात है। थोड़ी सर्दी तो है लेकिन सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है हमारे साथ। और यहाँ 2-3 भाई हैं, उन्होंने तो अपना, एक का तो वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस था, किसको था इसको? हाँ क्या नाम है? सुशील कुमार गुप्ता। जोर से बोलो, माइक में, माइक में। सुशील कुमार गुप्ता लखनऊ से। मैं तो इसको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, अपना नाम बोलो जोर से। सुशील कुमार गुप्ता, मैं लखनऊ से हूँ। 12 साल पहले ठीक कर लिया वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस। पर तुमने क्या ठीक किया? डायबिटीज से अपने आपको नॉन डायबिटिक किया, इसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए, ये बड़ा काम कर लिया है। तुम इधर बैठ करके पीछे मंडूकासन करो, मंडूकासन और गोमुखासन करो, एक मंडूकासन करो एक गोमुखासन करो यहाँ पे। तो देखो ताड़ासन वृक्षासन हम करवा रहे थे, साथ में मेरी इन बच्चों पर नजर पड़ी। पूरी दुनिया में कहा जाता था डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। हमने खाली 1000 एपिसोड ही नहीं किए, हमने 1000 तरह की बीमारियों के ऊपर ऐसी चोट की है कि उनको जड़ से मिटाया। टाइप 1 डायबिटीज बड़ा चैलेंज है दुनिया के लोगों के लिए, उसको भी हमने ठीक किया। चलो अब सूर्य नमस्कार करते हैं, आप में से जो कर सके वो करना, बाकी बैठ के प्राणायाम कर लो, तुम्हारे पास जगह कम है, बैठियो बैठ जाओ। आप मेरे साथ करो बेटे ये। अब देखो ये सूर्य नमस्कार ये तो सबके लिए जरूरी है। आज हम 5 आसन 5 प्राणायाम भी सबको बताएंगे। पूरी दुनिया में कहा जाता था कि एक बार बीपी हो जाए, एक बार शुगर हो जाए और उसमें भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो उसको नॉन डायबिटिक नहीं कर सकते, लेकिन हमने वो किया है। और इतने ही नहीं किया, हमने बीपी को शुगर को क्योर किया, मधुनाशी मधुग्रिट बीपी ग्रिट मुक्तावटी से थायराइड को क्योर किया, धनिये के पानी से थायरोग्रिट से प्रोस्टेट को क्योर किया, प्रोस्टोग्रिट से हमने अस्थमा को क्योर किया, ब्रोंकोपी से श्वासनाड़ी से नहीं तो कम से कम 2 चीज जरूर करें। चलो थोड़ा सर्दी भगाते हैं, ये करो करो प्रथम। अब ये श्वेता प्रथम, सब बेटियां भी दंड बैठक लगा रही है। और फिर ये करो उल्टे लेट जाओ ऐसे। आज लेटो बहनों उल्टे लेट जाओ, सबको करना है। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे हीरा बा की तरह, नरेंद्र माता मोदी जी की माता जी हीरा बेन की तरह 100 साल जिएंगे। 100 साल जीने के लिए एक तो भुजंगासन 100 बार करना और हीरा बेन की तरह पूर्ण संतुष्ट रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना भगवान के प्रति, उस खुदा ऑलमाइटी गॉड के प्रति,
ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखना, चलो भजन का आसन ऐसे, और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक विहार, ये सब योग का ही पूरा दर्शन है। अब तो एक लड़का, ओह अब तो 108 बार वो सूर्य नमस्कार करता है। क्या नाम है? इधर आ जाओ सुविता, आप नीचे जाओ बेटा सबके साथ। ये लड़का रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था इसको, और अब इधर आओ बेटा, आप भी इधर आ जाओ। एक मंडू का आसन कर रहा है, एक इधर भुजंग आसन करो, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ बेटा, जो गोमुख आसन कर रहे हैं। अब देखो ये भुजंग आसन करो आप यहाँ, तो इसको भी मजबूत बना रहे हैं। शुगर से थोड़ा कमजोर हो गया था ना, आपको भी 100 बार करना ऐसे, और जो मजबूत है ऐसे कर लो, ये ऐसे। तो कम से कम भुजंग आसन 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना। जैसे अब देखो प्रथम भी कर रही है, फिर अब उल्टे लेट जा, चलो सब लेटो, उधर पैर करो। कम से कम 5 आसन ऐसे सीधे लेट करके, पवन मुक्तासन। अब ये डायबिटीज वाले बच्चे तो रोज 10-10 मिनट करते हैं ऐसे, और बाकी सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे, पवन मुक्तासन। फिर ये उत्तान पादासन, एक एक आसन को हमने करवाया ऐसे, इससे सारे रोग मिटाए। फिर ये नौकासन, और फिर धीरे धीरे बैलेंस बनेगा तो पादांगुष्ठन आसास्पर्शासन। क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय विलास उपासन, अक्षय। अब इसको जवानी में ही अर्थराइटिस हो गया था, 2 कदम नहीं चल सकता था, 21 किलोमीटर की दौड़ लगाने लग गया, और रोज कितने बार सूर्य नमस्कार करता था? 15 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार कर लेता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठन आसास्पर्शासन से तो बंद, और जो कर सके तो चलो सर्वांगासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए कल पूरी दुनिया जो है ऐसे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, कल पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाएगी, लेकिन हम लोग तो पिछले 1000 दिनों से रोजाना एक नई जिंदगी का जश्न मना रहे हैं, और ये नई जिंदगी योग का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, और ये नई जिंदगी योग के जरिए मिलती है, आयुर्वेद के जरिए मिलती है, और उस पर आपका गाइडेंस लोगों को नई जिंदगी रोजाना दे रहा है। स्वामी जी देखिए, मोटापा जो है ना, वो इस वक्त उसको लेकर एक बहुत बड़ा सा बाजार सजा हुआ है, क्योंकि मोटापे से 100 बीमारियां लोगों को लग रही हैं। हर थोड़ी दूर पर चलने के बाद लिखा हुआ कहीं दिख जाता है कि मोटापा घटाएं, हमारे पास आए। तो स्वामी रामदेव से बेहतर कौन बताएगा कि मोटापा कैसे कम होगा? 70% लोग हमारे यहां स्वामी जी ओवरवेट हैं, जिनका वजन ज्यादा है, तो 40 मिनट में 5 योग का पैकेज उनके लिए भी, जिन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया है। धरती माता पर उनका वजन जो है काफी बढ़ गया है, थोड़ा सा धरती माता को राहत मिले, कोई 5 पैकेज। धरती माता का भार हमें हल्का करना है। जी जी, भारत माता का भार। तो ये अर्धहलासन, और फिर ये पादवृत्तासन, एक एक से कर लो या दोनों से कर लो ऐसे। तो देखो ये ऐसे, अब ये कितनी कितनी बार करना, ये करना है 100-100 बार, 200-200 बार ऐसे, एक एक से कर लो। मीनाक्षी जी आप एक एक से कर लो, मीनाक्षी जी ने भी इतिहास बनाया, और डिलीवरी के 3 दिन पहले तक योग कर रही थी, और योग से स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ संतानें, माने गर्भ से लेकर के छोटे बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, मोटों से लेकर के पतलों को भी योग कराया हमने। ईशदेव जी आदि जिनका वजन 50 किलो था, आज वो 70 किलो के हो गए। माने ओवरवेट, अंडरवेट, जो अंडरवेट है वो अश्वगंधा, शतावर चूर्ण खाए, डेट खाए, दूध पिए, घी खाए, और योग करे, सूर्य नमस्कार करे, दंड बैठक लगाए। और जिनका वजन ज्यादा है वो थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल आदि बंद करके गर्म पानी पिए, बोल्ड वेजिटेबल और फ्रूट डाइट पर आए, ये अभ्यास अपनाए। अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये लेट करके और बैठ करके, ये चलो बैठ जाओ, ये ऐसे। तो आज पूरा आनंद है, और 2 दिन से थोड़ी ठंड हो रही थी, मैंने कहा था ना थोड़ी देर की बात है सूर्योदय हो जाएगा, तो सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय हो गया है, सबका भाग्य उदय भी होगा,
जो योग करेंगे स्वास्थ्य सुख समृद्धि और सौभाग्य के मुक्ति के द्वार खुलेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरत। और स्वामी जी मौका कोई भी हो योग का द्वार आप हर जगह खोल लेते हैं। और ये स्वामी जी मौका कोई भी रहा हो आपने योग को हमेशा देखिए शामिल किया है और इस बात को कहने के पीछे हमारे पास एक बहुत मजबूत वजह है और हम इस पर बात करें उससे पहले जरा एक वीडियो आप देखिए फिर हम जरा इस पर बात करेंगे। आप फिटनेस आप देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए और कॉन्फिडेंस देखिए। रोज एक घंटा योगाभ्यास करते हैं कपाल भाती भी करते हैं अनुलोम विलोम भी करते हैं। रजत जी आप बैठो आप तो अनुलोम विलोम भी कर लो। आप बैलेंस बनाओ थोड़ा तन का मन का विचारों का भावों का संवेदनाओं का बॉडी का माइंड का थॉट्स का इमोशंस का संतुलन बढ़िया बनता है। जब से इंडिया टीवी पर आपने कार्यक्रम शुरू किया कोरोना से जंग योग के संग तो जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं आर्मी में लोग हैं यूनिवर्सिटीज में लोग हैं आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब मुझे कहते हैं कि हम सुबह स्वामी जी का प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस में मेरे को खुद प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ ने बताया सुबह इंडिया टीवी लगता है। बहुत अभिनंदन आपका करना चाहता हूं इस बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन के। स्वामी जी नेताओं का मंच सजा था वहां भी आपने योग करवाया रजत जी ने आपके साथ योग किया ये भी कमाल का मौका था। अब देखो हमारा मंच तो रोज सस्ता और ऐसे और बहुत से तो कोई किसी के कमर के दीवाने हैं कोई किसी के बालों के दीवाने हैं कोई किसी के गालों के दीवाने हैं दुनिया हमारी पेट की दीवानी नौली क्रिया की दीवानी है। तो अब बहुतों के तो 20-20 किलो के पेट की बेली भर धरी हुई है अब वो थोड़ी घटेगी। वेट कम करने वाले अभ्यास बताए ले कितनी कितनी बार करने हैं बच्चों 100 बार कितनी बार बोलो 100-100 बार फिर 100-100 बार भस्त्रिका करो कपालभाति करो। अच्छा स्वामी जी देखिए ये बात जो रजत जी ने कही अनुलोम विलोम आज 200% सही और सटीक है। सिर्फ रजत जी नहीं हम जैसे लोगों को भी रोजाना जो लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि आपके साथ स्वामी जी के साथ रोजाना हमारी इंडिया टीवी देखते हुए सुबह दिन की शुरुआत होती है और फिर हमारा सारा दिन योग की वजह से बहुत शानदार गुजरता है और ऐसे ही उनका दिन। हुसैन भाई जी आपको ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को देश के करोड़ों भाई बहन आइडियल मानने लग गए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई मीनाक्षी जी के लिए ज्योत्सना जी के लिए सब आपकी वजह से है स्वामी। और ये भारतीयता का कि जो एकात्मता है जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में घृणा नफरत बढ़ गई अरे यहाँ देखो मुसलमान के घर में पैदा हुए हमारे भाई हुसैन और पंडित जी के घर में पैदा हुई मीनाक्षी जोशी और किसान के घर में पैदा हुआ स्वामी रामदेव और ज्योत्सना जी का पता नहीं वो भी कहीं ना कहीं से तो अवतरित हुई होगी सब एक साथ है सारा हिंदुस्तान जोड़ रखा है हमने। बिल्कुल बिल्कुल दरअसल स्वामी जी और ये पूरा हिंदुस्तान माने एकात्मता के साथ आगे बढ़ रहा है। सारी दीवारें ढा दी हमने गरीबी की अमीरी की मतों की पंथों की भाषाओं की और जातियों की दीवारें ढा दी सब एकत्व सह अस्तित्व में सामंजस्य में बंधे हुए वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी में। आप जिस सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं स्वामी जी दरअसल हम सभी तो हाड़मास के पुतले ही हैं दो आंखें एक नाक एक मुंह दो कान दो हाथ दो पांव सबको उतने ही तो किडनी दी ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा दे दियो लेकिन हम अपने शरीर को कैसे साधते हैं ये आपने सिखाया वो मार्ग आपने प्रशस्त किया और पूरा देश इंडिया टीवी के साथ इस कार्यक्रम के जरिए चल रहा है ये अपने आप में 1000 एपिसोड पूरे करना कोई छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत बीपी और शुगर से होती है अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और ये बात आप कई बार कहते हैं तो आज हर बीमारी को थोड़ा थोड़ा हम चर्चा में जरूर लाएंगे इसलिए शुगर और बीपी को कंट्रोल करने के उपाय।
पूरे शंख क्यों बजा दिया? ये शंखनाद 1000 एपिसोड पूरा होने पर जश्न के लिए नहीं, ये उपचार के लिए बजा रहे थे। सुबह उठ करके प्रभात में भोर में शंख बजाएंगे, उनके घर में ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लो और ताली बजाओ, इससे भी उपचार होता है, बीपी नहीं होगा। और एक बार जोर से हंस के दिखाओ, जरूर जोर से, ऊपर वाले नीचे वाले, फिर से आनंद से। तो चलो मंडूकासन के लिए बैठो, इससे क्या होगा, हंसने से बीपी ठीक होता है। अब बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, नींद ना आने से, डाइजेशन ठीक ना होने से, पित्त बढ़ने से, लिवर किडनी के फंक्शन ठीक ना होने से, मोटापा बढ़ने से, बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से। तो योग करने से, हास्यासन करने से, शंख बजाने से, घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो, वेद वाणी गूंजे, भगवत गीता गूंजे, कुरान गूंजे, बाइबल गूंजे, सुबह उठ करके हम अपने धर्म से जुड़े, सत्य से, सात्विकता से जुड़े, और ये मंडूकासन करें। अब मंडूकासन एक तो ऐसे मुट्ठी बांध के कैसे, अब ये बच्चे मेरे साथ हैं ना, देखो इन्होंने अपना शुगर पूरा ठीक कर लिया है, टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया है। मंडूकासन ये बीपी और शुगर के लिए सेम अभ्यास है, 5 अभ्यास बता रहे हैं। बच्चों आप पवन मुक्तासन करो, बच्चों आप लोग पवन मुक्तासन करो, सीधे लेट करके। ये पवन मुक्तासन बीपी और शुगर के लिए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा प्रशासन को पूरा पैकेज बता रखा है, इसलिए सब बच्चों को पता करो बेटा। और बीपी के लिए जो एलोपैथी में दवाई दी जाती है वो बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम ब्लॉकर्स है, वो उसके लिए सच में दवाई नहीं है, वो शरीर में हस्तक्षेप करके ब्लड के सर्कुलेशन को बैलेंस करने के लिए आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, जोर जबरदस्ती ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम जिन कारणों से बीपी होता है उनका निवारण कर देते हैं, और मुक्तावटी बीपी ग्रिड से हमारे डॉक्टर नीरज जी बैठे हैं, आम फूट ही बात करा के, मिट्टी पट्टी करा करके, स्पाइनल कोड के ऊपर आइस मसाज करवा करके, खाली सिरोधारा करा करके हम ठीक कर देते हैं बीपी को। ये मंडूकासन, लौकी का जूस, कद्दू का जूस पिला करके, मंडूकासन, शशकासन। और शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन तक बंद करा देते हैं। और जिनके किसी दवा से शुगर कंट्रोल नहीं रहा थी उनकी भी शुगर ठीक हो गई, बीपी की दवाइयां बंद होगी, शुगर की दवाइयां बंद होगी, ये लाइफस्टाइल डिजीज बहुतों को है। मंडूकासन, शशकासन। फिर जिनसे हो पाए पद्मासन में बैठ करके, योग मुद्रासन लेट करके, पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन करो। बच्चों तुम उत्तान पादासन लेटे लेटे पैर उठाओ, हाँ, तो दो 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 एक साथ चल रहे हैं, इधर बैठ करके योग मुद्रासन कर रहे हैं हम। और देखो खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें आंवला, एलोवेरा गिलोय और मिला देते हैं। और फिर बाद में बच्चों को 2 महीने के बाद तो हम जलेबी खिलाते हैं। और यहाँ बहुतों को तो निगाह उधर जलेबी पर ही टिकी हुई है, कुछ सुगंध आ रही है ना, तेरे चेहरों की मुस्कान बता रही है कि सुगंध आ रही है, जलेबी खाएंगे। तो आज तो सेलिब्रेशन की जलेबी है, इंडिया टीवी जाएगी यहाँ से बन करके कोरियर से। अच्छा स्वामी जी, पिछले 1000 दिनों में अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन। स्वामी जी पिछले 1000 दिनों में आपने घर घर योग पहुंचाया, घर घर से बीमारियां मिटाई, लेकिन एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है, आपने लोगों की आंखों में जिंदगी का सपना दिया है, रोग मुक्त 100 साल जीने का सपना। वरना आमतौर से लोग 40-50 तक पहुंचते पहुंचते इतनी सारी बीमारियां पाल लेते हैं कि कहते हैं यार अब क्या बचा है जिंदगी में, अब तो जाने का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन अब 100 साल जिंदा रहने का सपना सबकी आंखों में है, और योग के साथ ऐसा होता हुआ नजर भी आता है। तो मोटापे, शुगर, बीपी की बात हो चुकी है, तो एक खामोश सी साइलेंट बीमारी है स्वामी जी, थायराइड, जो छिपी हुई है, कई बार पता भी नहीं चलता। थायराइड से कैसे निपटना है और इसके लक्षण क्या, जरा ये भी बताइए। ए थायराइड कितने बहनों ने ठीक किया, खड़ी हो जाओ। थायराइड ठीक करने वाली देखो इधर बहने, जब मैंने नाम बोला तो इतनी खड़ी हो गई, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। भाइयों का तो नहीं, किसी का थायराइड, बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करके बैठे बहने, 4 तो यही खड़ी हो गई ऐसे पूरे देश में। थायराइड में जो हमारा
थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ होने से बढ़ता है, ये सब ठीक करके खड़ी हुई है, बैठ जाओ। अब इसको ठीक कैसे करें? एक तो कपालभाति करें, एक उज्जायी करें, सर्वांगासन करो बच्चों, आप भी करो बेटा सर्वांगासन करो गुड़िया प्रथमा। अब इसने तो ऑटोमेन डिजीज को ये परास्त कर दिया, सर्वांगासन सर्वांगासन, और जो हलासन कर सकते हो हलासन भी कर लो, पीछे टिका दो बेटा, क्या बात है, सर्वांगासन और हलासन हो गया, ये लो सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन उष्ट्रासन, ये आसन है ऐसे, और इसमें ऐसे, और जो है एक ये मत्स्यासन भी ऐसे कर लेते हैं ऐसे। स्वामी जी योगाभ्यास तो ठीक है, एक है इसमें सिंहासन, चलो सब दाड़ो नीचे वाले ऊपर वालों भी, लेकिन आपने जलेबी दिखा के, चलो शेरो शेरनियो सब दाड़ो, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही स्वामी जी, अब पूरा हिंदुस्तान दाड़ रहा है। चाइना के बॉर्डर पर ले जाके एक साथ सबसे ये सिंहासन करवा दिया जाए, शांति 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 शांति, तो पीएलए वाले ऐसे ही भाग जाएंगे। उज्जाई पूरा थायराइड 100% क्यों, उज्जाई गले को टाइट करके श्वास अंदर भर के होल्ड करके रखना, इसको 5 से 11 बार तक करा देते हैं, और कपाल भाति के साथ ये पॉइंट दबा देते हैं, हाथ में भी पैर में भी, और थायराइड धनिये के पानी से ही थायराइड क्योर हो गया है। तो पूरी दुनिया में झूठ बोला जा रहा था बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस क्योर नहीं होता, हमने क्योर करके पूरी मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दी और नया इतिहास बनाया, उसके लिए इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम किया जो सारी दुनिया में नहीं हो रहा था, लोग कहते थे थायराइड तो क्योर ही नहीं होगा, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, और हमने वो जो झूठ चल रहा था उसके ऊपर सत्य में जयते सत्य की प्रतिष्ठा कर दी, तो ये पॉइंट है दोनों पैरों। स्वामी जी बार बार मेरा ध्यान जो है जलेबी की तरफ जा रहा है, देखिए 1000 एपिसोड के बाद अब ये दुनिया जान चुकी है कि आप जो है वो पाक शास्त्र में भी माहिर हैं। आज आपको अब टेबल यहां आप लगवाइए, अब मीनाक्षी ज्योत्सना प्रिया पूजा भी बना के दिखाएं कि उनको भी आता है पाकशास्त्र, तो फिर कुछ मौका, और आप क्या बताएंगे कि आपको खाना आता है और हम ये बताएंगे कि हम बेहतर तरीके से खा सकते हैं मैं भी आपकी मदद करूंगी इसमें अच्छा स्वामी जी हम हार्ट की बात कर रहे हैं और गोमुख आसन अभी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया, पहले अपने भार को उठाना पड़ेगा, उत्थित पद्मासन करना पड़ेगा, तो ये हुसैन करेंगे उत्थित पद्मासन, उसके बाद फिर एक पीस खाएंगे, फिर करेंगे फिर एक पीस खाएंगे, एक एक पुशअप के साथ। अच्छा स्वामी फिर उनका मोर बनाएंगे फिर मोर बनाएंगे फिर जलेबी खिलाएंगे, ठीक है डन है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी आप ये कह रहे थे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मिलेगी जलेबी, अर्न करना पड़ेगा आपको, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और हुसैन भी ये कर पाएंगे, जलेबी खा पाएंगे, और डायबिटीज के रोगियों को भी ये समझ में आने लगा है कि योग से ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो आई एम पॉसिबल हो सकता है। स्वामी जी इस साल कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, कई सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी जो एकाएक कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक हार्ट फेलियर ये होता हुआ हमने देखा है और जवान से जवान लोगों को होते हुए देखा है, तो एक छोटा सा यौगिक सेशन और यौगिक पैकेज हार्ट के रोगियों के लिए भी। तो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है एक तो उल्टे लेट जाओ आप लोग, मकरासन करो, मकरासन और भुजंगासन, आप भुजंगासन करो बाबू, मकरासन भुजंगासन और बैठ करके गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बेस्ट है, चलो कोशिश करो आप लोग गोमुखासन करो, बहने भी करती है, ये सारी बहने बड़े बड़े लाभ पा करके बैठी हुई, सबको मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो एक एक आइडियल है यहाँ पर, चलो गोमुखासन करो, सब भाई भी और सब बहने भी, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, और हार्ट अटैक से अब कोई नहीं मरेगा क्योंकि अब भारत योग करेगा, दालचीनी पिएगा, दालचीनी और अर्जुन की छाल, अब चाय कॉफी नहीं, जंक फूड फास्ट फूड नहीं, तो क्या पीना, अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन आरिष्ट हृदय अमृत, खाली पेट कार्डियो ग्रीन, गोमुखासन मकरासन भुजंगासन, जैसे प्रथम कर रही कितना सुंदर करती है,
क्या बात है भाई, इसको तो आज इनाम देना पड़ेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दो प्रथम के लिए। इसने तो अपना शरीर पूरा साध लिया है। ये मीनाक्षी जी जी, अब आपसे भी एक कदम आगे पहुंच गई है। इसकी माँ इसको कनाडा से 50 दिन के लिए यही लेकर के आई थी कि अब जो है मेरी बेटी को मुझे पूरी तरह से रोग मुक्त बनाना, और बन गई। बहुत बहुत खुशी की बात है। आराम आराम से भुजंगासन करें, आराम आराम से मकरासन करें, मरकटासन करें, गोमुखासन करें। अब बताओ ये बच्चे योग कर करके अब बचपन से ही योगी बन गए हैं, तो हार्ट के लिए तो बहुत जबरदस्त है। फिर ये पॉइंट दबा ले, ये ऐसे पॉइंट दबाते हुए कपाल भाती करें, भस्त्रिका ऐसे, भस्त्रिका भी हो रहा है और साथ में स्कंद संचालन भी हो रहा है। ऐसे ऐसे बैठ के अनुलोम विलोम करो बच्चों। अब बैठ जाओ बेटा आप भी प्रथम। ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी उद्गीत, बस स्वामी जी इसी पर आ रहा था मैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बस हम ओंकार का नाद कर रहे हैं, ओंकार का उद्गीत का उद्घोष हो रहा है, लेकिन ये बीपी को और हार्ट प्रॉब्लम को, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा को पूरी तरह से दूर कर देता है मेरे भाई हुसैन। इतना जबरदस्त है स्वामी जी। देखिए सांकेतिक तौर पर आपने योग से अप्लावित है जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी सांकेतिक तौर पर तो आपने अनुलोम विलोम उद्गीत वगैरह करवा दिया है, लेकिन प्राणायाम का पूरा एक पैकेज करवाइए ताकि लंबी लंबी सांसों के साथ आज इस साल को भी अलविदा कहने का दिन है, आखिरी दिन है और साल का आखिरी शो भी है आज, तो आज साल को लंबी लंबी सांसों के साथ हम अलविदा कहें और फिर एक नए साल का स्वागत कल किया जाएगा। तो रोज भस्त्रिका करना है, लंबी सांसें लेना, पूज्या श्रद्धामयी हीरा बाकी तरह 100 साल जीना। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। भस्त्रिका 5 मिनट, फिर कपालभाति। हर दिन हमारे शरीर में कैंसर पैदा होता है, बीपी शुगर पैदा होता है, कोलेस्ट्रोल ओबिसिटी पैदा होती है, एसिडिटी वात पित्त कफ पैदा होते हैं, हर दिन रोग पैदा होते हैं, हर दिन हमारे शरीर पर न जाने कितने घाव, हमारे तन के साथ मन पर भी कितने घाव होते हैं। कई बार हम कह भी देते हैं अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मैं इतनी घायल हो गई हूँ भीतर तक, अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। तो योग करेंगे तो जो भी रोगों की संभावना है उसको तो मिटाएंगे ही मिटाएंगे। शरीर के परे मन, मन के परे आत्मा, आत्मा के परे परमात्मा के साथ एकात्म हो जाएंगे, व्याधियों से मुक्त होकर के, व्याधियों की समाप्ति करके, समाधि की प्राप्ति तक, अपने अंतिम गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। कपालभाति, अब तो छोटे बच्चे जवान सब कर रहे हैं, अब तो पीएमओ में भी योग हो रहा है, खुद योग। एक ऐसा युग है जब देश का प्रधानमंत्री भी योग कर रहा है। और मुर्मू जी आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जी जी, मुर्मू जी यहाँ पर 2 बार 7-7, 10-10 दिन का पैकेज लेकर के पंचकर्म षटकर्म करके गई हुई है। तो क्या बात है, प्रधानमंत्री भी योगी, देश की राष्ट्रपति भी योगी, देश के एंकर भी योगी, देश का इंडिया टीवी भी योगी, तो कैसे रहेगा हिंदुस्तान रोगी। कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत। देखो ये ऐसे, और फिर ये अग्निसार ऐसे, वो से कहते बाबा जी ये भुजाएं कैसे बनाई। मैंने कहा जिम में नहीं बनाई, किसने बनाई, योग ने, सूर्य नमस्कार ने, भुजंगासन ने, और उभरा हुआ सीना, कसी भी कमर। अब देखो बीएमआई चेक करते हैं, आप भी चेक करना हुसैन भाई, अभी मीनाक्षी जी का थोड़े दिन बाद में चेक करवाएंगे, अभी अभी धरती पर नया सीजन करके आई है।
ऐसे ऐसे पेट हो जाएगा। तो भाई ये पड़ा है ऊंचाई, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर आधा से एक मिनट रोकना, फिर अनुलोम विलोम, चार पांच सेकंड में लेना, चार पांच सेकंड में छोड़ना, जल्दबाजी नहीं करना। फिर ब्राह्म युद्ध गीत करने से बहतर कोई बेहतर होगा। 10,201 नारे अष्ट चक्र नव द्वारा, अष्ट चक्र नव द्वारा देव नाम पूर्व अयोध्या तस्या मृंडय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। तो बहतर को बहतर लाख 10,201 नारे अष्ट चक्र नव द्वार पंचकोश पंच प्राण पंच महाप्राण पंच उप प्राण और इससे 37 trillion सेल्स एनर्जाइज हो जाते, इतना जबरदस्त है अनुलोम विलोम। तो देखो स्वामी जी, मतलब ये हुआ योग की महिमा। बिल्कुल, एक योग से सैकड़ों रोग दूर हो जाते और सैकड़ों साल की सैकड़ों वर्ष का हम जीवन पाते। स्वामी जी, कोई कनाडा में रहता हो, कलकत्ते में या करीमगंज में, जिसने जिसने योग किया उसका साल ये अच्छा गुजरा, और जो जो योग करता रहेगा, वर्कआउट करता रहेगा, उसके आने वाले साल भी और अच्छे बेहतरीन गुजरते रहेंगे, सेहत वाले साल गुजरते रहेंगे। और इसके लिए कोरोना भी उसका कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, के कॉम्प्लिकेशंस को भी बेटा। और करना यह है कि सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए, स्वामी जी के साथ योगाभ्यास कीजिए, सिर्फ देखिए नहीं, स्वामी जी के साथ योगाभ्यास कीजिए और खुद को सेहतमंद बनाइए। स्वामी जी, अब सवालों को जरा शामिल कर लेते हैं, एक लंबी फेरिस्त सवालों की भी हमारे पास है, अलग अलग माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के जरिए, मेल के जरिए, हजारों की तादाद में सवाल रोजाना हम तक पहुंचते हैं। पहला सवाल विकास का है, उनके पिताजी को हाई बीपी और हाई शुगर है, शरीर का जो बायां हिस्सा है वो अक्सर सुन सा पड़ जाता है, अब उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हाँ, तो चलो मैं बताता हूँ। विकास के पिताजी का पूरा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास भी होगा और बीपी शुगर नॉर्मल होगा, और ये जो एक साइड में शून्यता रहती है उसके लिए एक तो न्यूरोग्रिट ले ले और उसके लिए ओमेगा ले ले, तुरंत शून्यता शून्यपना ठीक हो जाएगा। दूसरा अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, और अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ना ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये सब करें। तो बीपी के लिए खाली पेट मुक्तावटी ले ले और साथ में मधुनाशिनी भी ले ले, और खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। खीरा करेला टमाटर का जूस तो शुगर के लिए बताते हैं, उसमें खीरा करेला टमाटर उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ लौकी और मिला दें तो बीपी शुगर दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर ठीक किया, जिनका बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल हुआ है ऐसे कितने भाई बहन, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिनका बीपी और शुगर दोनों दवाइयाँ बंद करवा दी है, पहले दवाइयों से भी नॉर्मल नहीं होता था, और ये मैया भी है इधर, दूसरी भी मैया है, ये प्रमाण है, 1, 2, 3, 4 तो यही पर है, हर चीज के प्रमाण है। बीपी शुगर नॉर्मल जब इनका हो गया तो विकास के पिताश्री का भी होगा, पूरा देश का भी होगा। बैठो बैठो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा स्वामी जी। ये तो मैं, अब वक्त बहुत कम है ना जी, जी, अगला जी। प्रश्न आप ले स्वामी जी, आज 1000वां एपिसोड है और आज तो देखिए डिंपल जी का भी सवाल आ गया है, पिछले एक साल से उनको वर्टिगो की परेशानी है, अब ये वर्टिगो की प्रॉब्लम आप दूर कर दें। वर्टिगो के लिए एक तो ये अभ्यास करें, ऐसे एक उष्ट्रासन करें जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, मकरासन भुजंगासन जो बता रहे थे वो करें, थोड़ा सा मरकटासन कर लें, और वर्टिगो के लिए गर्दन को आगे पीछे दबाएं, दाएं बाएं ऐसे 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 करें, ऐसे ऐसे घुमाएं। और वर्टिगो के लिए यदि सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन है तो त्रयोदशांग या अश्वशिला खाने के बाद खाली पेट पिरानिल गोल्ड ले लें, और यदि सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन नहीं है तो मेधावटी और सीबक थोल ले लें, और नाक में अणु तेल का नस्य तो हम सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज के लिए कराते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी डालें, वर्टिगो खत्म हो जाता है, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, इतनी सी बात है हाँ, और सीधे बैठे हमेशा, तो डिंपल जी ठीक हो जाएंगे, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे डिंपल वर्मा शर्मा हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी चंद्रकांता गोस्वामी का है, 42 साल के हैं वो, और उनकी आंखों में फ्लोटर्स है, अब इसकी वजह से उनको धुंधला नजर आ रहा है, आंखों में दर्द भी उनके काफी बना रहता है। हाँ, ये आंखों में फ्लोटर जो है ना मेरे भाई हुसैन जी, कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, तो ये खाली चंद्रकांता का ही नहीं, बहुतों की कांति आंखों की कम हो गई है, ज्योति कम हो गई है, तो दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप तो हम बताते ही है, और आई ग्रिट गोली है वो दो दो खा लें सुबह शाम, ज्यादा हो तो 3 बार भी ले सकते हैं, और
आंवला एलोवेरा गिलोय सप्तामृत उसमें मिला दे 5 ग्राम, उसकी बस्ती एनिमा दे दे और त्रिफला से आईवास करे, ये सब कराते हमारे डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर नीरज जी और नेचुरोपैथी में सब कराते, त्रिफला से आईवास कराते, जलनीति सूत्र नीति कराते, करो सब अनुलोम विलोम करो, ये अनुलोम विलोम करे, शीर्षासन करे, सर्वांगासन करे जो हम शुरू में करवा चुके, आंखों की फ्लोटर्स, कैटरेक्ट, प्रारंभिक अवस्था का ग्लूकोमा तो किसी भी स्थिति का, और मैकुलर डिजनरेशन, यहाँ तक कि रेटिनस पिगमेंटोसा भी ठीक हो जाता है और आंखों का चश्मा भी दूर हो जाता है। तो चंद्रकांत ने तो एक फ्लोटर्स के लिए पूछा, मैंने आंखों के बहुत तरह के रोगों को एक साथ ही सम्मिलित कर लिया, अब आगे कोई और प्रश्न बचा हो तो ले लो। एक और प्रश्न है स्वामी जी, दिलीप का है। दिलीप ये पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र 38 साल है और बदहजमी की शिकायत है, उनके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी जी, ये तो बहुत से लोगों की परेशानी है, पेट साफ ही नहीं होता, बदहजमी रहती है, बहुत लोगों की परेशानी है। और अब नए वर्ष पर लोगों के दारू पी करके भी पेट खराब होने वाले, ज्यादा खाना खा करके भी पेट खराब होने वाले हैं। तो दिलीप तो 4-4 गुना लोगों ने स्टोर कर रखा था ना दारू का, अब खूब पिएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर वो द्राक्षा सौ पिएंगे उसको ठीक करने के लिए, फिर कुमारिया सौ पुनर्नवा रिष्ट पिएंगे, और खाली पेट गोधन अर्क ले लो, पेट एकदम अच्छा, और लिवोग्रिट से तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हाइपेटाइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइस, फिसर, फिस्टूला और पाचन तंत्र का कोई भी रोग दूर हो जाता है। कपाल भाती पर करना ही पड़ेगा, देखो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी बताते हैं, नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, और कॉन्स्टिपेशन हो तो कायकल्प भी साथ में मिला करके पी लो, पूरा पेट ऐसे हो जाता है जैसे मैं एक एक लीटर दूध पी लेता हूँ, लक्कड़ पत्थर सब हजम, वो खा लेता हूँ दही हजम, और 100 ग्राम तक मक्खन और बाजरे का रोटला, मकई की रोटी, सरसों का साग, सबके मुंह में पानी आ रहा है, बोलो बाबा जी हमको तो उपवास करा रखा है, व्यंजन बता रहे हो। और स्वामी जी कोई धरती के किसी भी कोने में रहता हो, इंडिया टीवी वहां मौजूद है और इंडिया टीवी पर आप मौजूद हैं, तो फिर सेहतमंद जिंदगी से दूरी क्यों, तो रोजाना इंडिया टीवी लगाइए और सेहतमंद जिंदगी पाइए। अब स्वामी जी देखिए, एक नुस्खे की बारी आ चुकी है सवालों के बाद, और हमें पता है आज का नुस्खा वो मीठी मीठी जलेबी है, आप पहुंचे वहां तक, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल पहले दिन जलेबी के साथ, साल का पहला दिन क्या होने वाला है कल के कार्यक्रम में खास, कोरोना से पहले सर्दी ने डराया, नए साल पर 7 रोगों का खतरा मंडराया, वायरल फीवर, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, 2023 में कैसे कंट्रोल करें ट्यूबरक्लोसिस, स्वामी रामदेव की स्पेशल विंटर क्लास, कोरोना कोल्ड इंटॉलरेंस से मिलेगी आपको निजात, वक्त आप बहुत पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले ही लगा लीजिएगा इंडिया टीवी। और अब प्रसाद के रूप में आपको मिलने वाली है जलेबी, और ये बीमारियों का इलाज भी है। जलेबी बढ़िया तैयार हो रही है, हाँ सिर दर्द के लिए ना जलेबी औषध का काम करती है, और ये जलेबी जो है एक बच्ची की धरी निगाह थी, इधर आओ दोनों बच्चों, हाँ आजा 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 आजा, तो ये दूध गाय के दूध के साथ खाते हैं तो सिर दर्द, स्वामी जी हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए के साथ खाते हैं, कौन सी औषधि है, इतनी औषधि आप बताते हैं हमेशा हफ्ते रहने के लिए और आपके जैसे तो हमेशा सकारात्मक रहने के लिए, तेरे को शुगर तो नहीं है ना, तो हाँ अब बच्चे होते हैं ना हमारे हाथ, तो देखो हमेशा मुस्कुराने के लिए प्रभु का, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का शुक्रिया कीजिए, हमको इंसान पैदा किया, इंसान बना करके हिंदुस्तान में पैदा किया और योग करने का सौभाग्य इंडिया टीवी ने दिया, तो एक बार हंसे सन। और स्वामी जी तो ये सारी जलेबी अब गर्मा गर्म तैयार हो गई है, स्वामी जी हंसते मुस्कुराते योग करते करते, और इधर इसको चाशनी में डुबो रहे, योग की चाशनी में पूरा विश्व डूब जाए, क्यों रहे सब। स्वामी जी योग करते करते 1000 साल हंसते मुस्कुराते कैसे कट गए, उन 1000 सालों की जो एपिसोड्स हैं उनकी कुछ बहुत खूबसूरत झलकियों के साथ। ये
अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम दर्शकों को छोड़े जाते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको दिखाते हैं 1000 एपिसोड की कुछ बहुत खास झलकियां। देखो ऐसे ऐसे प्राणायाम कोई कभी भी ना छोड़े। तो ये थोड़ा एडवांस टेस्ट है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, यहीं पर रोक के रखें। ये योग का कमाल है, इतना बढ़िया शीर्षासन किया। देख मैं भी टीवी पर ही देखता था, लाइव आज ही देख रहा हूँ। ऐसे चलने से ही राइट लेफ्ट किडनी दोनों पैरों की से चलती। देखो ब्रेन स्ट्रोक से हार्ट पैरालिसिस मेरा पास मेरे गाय का घी ले लो। भारत माता की, सब लोग कर सकते हैं। स्वामी जी सभी आपको टीवी पर देख रहे हैं। स्वामी जी आपके यहाँ 3 मॉडल है, हमारे पास भी 2 मॉडल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।